हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। जैसा कि अभी एग्ज़ाम क्या बोलते हैं लैब असिस्टेंट वालों का बहुत ही पास आ चुका है, तो उनकी वजह से प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है। पहले भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वीडियो लाया गया है चैनल पे, आप चाहे तो चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक है टेलीग्राम लिंक, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको मेरे सारे ही वीडियो मिलेंगे और वीडियो के पीडीएफ भी साथ में मिलेंगे, और साथ में मैं जो प्रैक्टिस शीट करा रही हूँ क्यूज बोर्ड से उसका क्वेश्चन भी मिलता है वहाँ पे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती ही रहूँ। आज के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइट की कमी होने के कारण अभी मुझे थोड़े दूसरे रूम में जाके करना पड़ रहा है, इस वजह से यहाँ पे थोड़े से बाहरी शोर शराबे ज़्यादा आ रहा है। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है? निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्ट्स में प्रकाश को अवशोषित करता है? पहला है कैथेप्सिन, दूसरा है रोडोप्सिन, तीसरा है कॉर्निया एंड चौथा है कैसीन। जैसे कि बाय मिस्टेक बट यहाँ पे आंसर मैंने इंक्लूड कर दिया है रोडोप्सिन, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आते हैं हम थोड़े से इसके बारे में जान लेते हैं कि रोडोप्सिन क्या है। रोडोप्सिन प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्ट्स में प्रकाश को अवशोषित करता है। जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं उस पर प्रकाश पड़ना चाहिए, फिर उस वस्तु में प्रकाश की किरणें आँखों में पहुँचती हैं और कर्निया पारदर्शक द्रव्य पुतली तथा लेंस और अंदर के पारदर्शक द्रव में से गुजरकर दृष्टि पटल पर केंद्रित होता है, किंतु वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दृष्टि पटल में बनता है। दृष्टि तंत्रिकाएं उसका संदेश मस्तिष्क में पहुंचाती हैं जहां उनका स्पष्टीकरण होता है। तो दृष्टि पटल पे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं TGT झारखंड 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवश्यक अमीनो अम्ल है तो कौन ऐसा है जो आवश्यक अमीनो अम्ल है? आइसोसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, एलानिन एवं प्रोलाइन। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही होगा, आइसोसोल्यूसिन। अब इसके बारे में हम थोड़े देख लेते हैं। आइसोसोल्यूसिन आवश्यक अमीनो अम्ल में से एक है। अमीनो अम्ल प्रोटीन जल अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है, अतः अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कई अमीनो प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए अमीनो अम्ल को प्रोटीन का आधारीय स्तंभ कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का आधारीय अम्ल स्तंभ किसे कहते हैं? तो अमीनो अम्ल को कहते हैं, अमीनो अम्ल को, यहाँ अमीनो है ही, इसमें अम्ल ऐड कर लीजिए, अमीनो अम्ल को प्रोटीन का आधारीय स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है तो अर्ध आवश्यक अमीनो कौन सा है? लुइसिन, एलानिन, वेलिन एवं अर्जिनिन। ये UPLT 2018 के क्वेश्चन है। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है? तो ऑप्शन ए है लुइसिन, बी है एलानिन, सी है वेलिन एवं डी है अर्जिनिन। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है एलानिन, ऑप्शन बी सही होगा, एलानिन एक अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? तो एलानिन,
एस्पर्जिन, ग्लाइसिन एवं एलाइसिन। ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ना ही अपने बनाए हुए क्वेश्चन होंगे और ना ही प्रैक्टिस शीट से लिए गए क्वेश्चन होंगे। आज के जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? एलानिन, एस्पर्जिन, ग्लाइसिन एवं लाइसिन। तो आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है? तो ऑप्शन डी सही होगा, लाइसिन। लाइसिन आवश्यक अमीनो अम्ल है। आवश्यक अमीनो अम्ल ये ऐसे अम्ल होते हैं जिनका निर्माण शरीर नहीं कर पाता है। आवश्यक अमीनो अम्ल हम किसे बोलते हैं? जिसका निर्माण शरीर नहीं कर पाता है उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। अतः इन्हें हमें भोजन द्वारा प्राप्त करना पड़ता है। 20 आवश्यक अमीनो अम्ल, सॉरी 20 अमीनो अम्ल होते हैं, जिसमें से 10 अमीनो अम्ल शरीर प्राप्ति के, शरीर मतलब अपने अंदर उसको 10 अमीनो अम्लों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को भोजन पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः 10 को आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। हमारे शरीर तथा भोजन की सभी प्रोटीन अमीनो अम्ल नामक मूल इकाइयों में बनी होती है। 10 जो होता है वो हमें भोजन से प्राप्त करना पड़ता है, और 10 जो होता है वो हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रिया करके खुद पे खुद बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है, तो वेलिन, मेथियोनिन, ट्राइटोफेन एवं ट्राइसिन। तो यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है, तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी सही होगा, ट्राइटोफेन। ट्राइटोफेन अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। हमारे शरीर तथा भोजन की सभी प्रोटीन अमीनो अम्लों नामक मूल इकाइयों से बनी होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मनुष्य के शरीर के प्रोटीन के निर्माण के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। अभी मैंने जस्ट इसके पहले के क्वेश्चन में आपको बता रखा था, इसलिए इनमें से कई अमीनो अम्लों का संश्लेषण शरीर के भीतर अन्य अम्लों या सरल पूर्ववर्ती इकाइयों से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और एनर्जेटिक करता है कि हम आपके लिए उठे और मेहनत करें और वीडियो बनाएं। तो प्लीज़ आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर भी करें। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है ज़ेडाल विधि, फिनोल सल्फ्यूरिक एसिड विधि, सेक्सलेट विधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि कौन सी है? तो वो है ऑप्शन ए, ज़ेडाल विधि। ज़ेडाल विधि के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि ज़ेडाल विधि को कहते हैं। प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। प्रोटीन भोजन के 3 कार्यों को पूरा करता है। पहला देखते हैं शरीर की वृद्धि, दूसरा शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित रखना, व तीसरा अतिरिक्त प्रोटीन द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति भी होना। प्रोटीन ग्रीक भाषा शब्द के प्रोटियोस से बना होता है। प्रोटीन ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियोस से बना होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अपूर्ण प्रोटीन है? निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? चावल की प्रोटीन, जिलेटिन प्रोटीन, दाल प्रोटीन या फिर अंडा प्रोटीन। तो अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, जिलेटिन प्रोटीन। जिलेटिन प्रोटीन अपूर्ण प्रोटीन होता है। प्रोटीन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्लों द्वारा होता है। प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के द्वारा होता है तथा प्रोटीन में मुख्यतः कार्बन, ऑक्सीजन,
और हाइड्रोजन अम्लों से होता है तथा हाइड्रोजन प्रोटीन में मुख्यतः कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन होता है नाइट्रोजन होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन के कुछ प्रकारों में फास्फोरस और सल्फर की भी अल्प मात्रा होती है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रोटीन में उपस्थित नाइट्रोजन शरीर की वृद्धि में विशेष रूप से सहायक होता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि प्रोटीन शरीर की वृद्धि में विशेष रूप से कौन सहायक होता है, तो नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन में कितने प्रतिशत लगभग नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी है 25 एंड ऑप्शन डी है 6। तो प्रोटीन में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन टीजीटी झारखंड का है, 2014 में पूछा गया है। तो प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन होती है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। मुख्य रूप से प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर तत्वों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि प्रोटीन किस चीज़ की बनी होती है, तो प्रोटीन में होता है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और कुछ में सल्फर और फास्फोरस भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को कहते हैं। तो शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को क्या कहते हैं, पेलेग्रा, स्कर्वी, ओडिमा या फिर ऑस्टियोमलेशिया। तो शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को ओडिमा कहते हैं। पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, स्कर्वी और ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग स्कर्विक एसिड विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। और पेलेग्रा किसकी कमी से होता है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को कहते हैं ओडिमा। ओडिमा शरीर में प्रोटीन की कमी से सूजन हो जाती है। शरीर के सभी कोशिकाओं ऊतकों में पानी भर जाता है। सूजन की मात्रा प्रोटीन की कमी, रक्तवारी एवं एल्ब्यूमिन की कमी नामक एक जल पर निर्भर करती है। सूजन सबसे पहले पंजों एवं पैरों पर आती है। सूजन के कारण बच्चे तंदुरुस्त दिखते हैं, हाथ पांव मोटे फुले दिखते हैं। ओडिमा में इसमें एक कौन सी प्रोटीन की कमी की वजह से हो जाती है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ। रक्तवारी ये पहला है, एंड दूसरा है एल्ब्यूमिन। इन दो की कमी की वजह से एडिमा हो जाता है। ओडिमा में क्या होता है, शरीर के ऊतकों में पानी भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डैश की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। तो किसकी कमी से वृद्धि में अवरोध ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए है क्रोमियम, ऑप्शन बी है सिल्वर, ऑप्शन सी है फ्लोरिस एंड ऑप्शन डी है कोबाल्ट। ये क्वेश्चन MPPSD एंट्रेंस एग्जाम 2015 में पूछा गया है। जैसा कि यहाँ पे इंक्लूड किया था, मैंने छूट गया मुझसे ऐड करना। इसका आंसर होगा क्रोमियम। क्रोमियम की कमी से वृद्धि में अवरोध ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है, ऑप्शन ए सही होगा। क्रोमियम अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पशुओं एवं मानवों के ऊतकों में पाया जाता है। अभी हाल के हुए शोधों से ज्ञात हुआ है कि क्रोमियम इंसुलिन हार्मोन का होता है। क्रोमियम कार्बोज वसा एवं प्रोटीन के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रत्येक कोशिकाओं तक ग्लूकोज पहुंचाने का काम करता है। क्रोमियम की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है, ऑप्शन ए सही होगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगर आपको मेरे वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ आपको मेरे सारे ही वीडियो मिलेंगे और वीडियो के साथ पीडीएफ भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है एल्बुमिन, नियासिन, ग्लूटीन एवं इनमें से कोई नहीं। ये आप देख सकते हैं टीडीटी झारखंड 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। तो गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन ग्लूटीन है, ऑप्शन सी सही होगा। ग्लूटीन दो तरह के प्रोटीन, ग्लूटीन में दो तरह का प्रोटीन होता है। हालांकि गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन ग्लूटीन है और ग्लूटीन का कार्य होता है जब हम गेहूं में पानी डालते हैं ना तो आटे में पानी डालते हैं ना तो वो ऐसे 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 छोटे 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 चिपक के एक बड़ा सा बन जाता है ना, जिसके बाद हम उसको छोटे छोटे डो में रोटी या फिर जो भी चीज़ बनाने होते तोड़ तोड़ के बना लेते हैं, वो ग्लूटीन के कारण चिपकता है। लेकिन गेहूँ में दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक देख लेते हैं। अब ये ग्लूटीन के बारे में हम थोड़ा अच्छे से देख लें, ग्लूटीन गेहूं में आता कैसे है। गेहूं में दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक होता है ग्लूटेनिन, हो सकता है कभी ग्लूटीन ना दे करके इन दोनों में से कोई एक दे दे, इसलिए आप इसे ध्यान से देखेंगे। पहला होता है ग्लूटेनिन एंड दूसरा होता है ग्लाइडिन। पहला होता है ग्लूटेनिन एंड दूसरा होता है ग्लाइडिन। आप कभी अगर कोई प्रैक्टिस है या बुक पढ़ रहे होंगे ना तो आप देखना उसमें कभी क्वेश्चन में ग्लूटीन ना दे करके ग्लूटेनिन या फिर ग्लाइडिन दे देता है। पहला होता है ग्लूटीन और दूसरा होता है ग्लाइडिन ग्लूटेनिन तथा ग्लाइडिन इन दोनों ही प्रोटीन को सम्मिलित रूप से ग्लूटीन कहते हैं। इन दोनों का सम्मिलित रूप ग्लूटेनिन कहलाता है। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन ग्लूटीन है और ग्लूटेनिन एंड ग्लाइडिन इन दोनों को भी याद कर रखेंगे, ग्लूटेनिन एंड ग्लाइडिन इन दोनों का सम्मिलित रूप ही ग्लूटीन है। इन तीनों में से कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है। इसको थोड़ा सा हम पहले स्पेस बना लेते हैं लिखने के लिए। प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है। आप देख सकते हैं MPPSD इंट्रेंस एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में मैरामश, क्वाशियोरकर, रतौंधी एवं स्कर्वी में से कौन सा बीमारी दिखाई देता है। तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर रोग दिखाई देता है। क्वाशियोरकर बच्चों में 1 से 4 वर्ष के बच्चों में होता है। इस रोग में ऊर्जा कैलोरी की कमी नहीं होती, ऊर्जा एवं प्रोटीन की कमी से मैरामश होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन दिया है इसलिए क्वाशियोरकर सही होगा। यह रोग उन्हीं बच्चों में होता है जिनके भोजन में कार्बोज पर्याप्त मात्रा में रहता है। अफ्रीका में यह रोग उन बच्चों में अधिक पाया गया है जिन्हें माँ का दूध छुड़ाने के बाद अक्सर चावल के हलवे खिलाती थी। क्वाशियोरकर का पता सन 1935 में चला था। सिसली विलियम्स ने लगाया था। क्वाशियोरकर का पता 1935 में सिसली विलियम ने लगाया था। क्वाशियोरकर एक अफ्रीकन शब्द है। ये भी पूछ सकता है कि क्वाशियोरकर क्या है, तो ये एक अफ्रीकन शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। तो अभी हमने इसे पहले देखा था कि यहाँ पे सिर्फ एक डाटा दे दिया था कि 7%, 16%, 8% और मान लीजिए 9%। ठीक, तो हमने 16% को टिक किया था कि प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ हम क्या टिक करेंगे, प्रोटीन यहाँ पे औसत में पूछा है। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है तो क्या होता है, 4 से 7, हमने तो 16 दिखा था, ये तो हो ही नहीं सकता, गलत। 20 से 25, हमने तो 16 दिखा था ना, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये भी नहीं हो सकता है। 26 से 28, ये तो उससे भी ज़्यादा है, तो बचा कौन, 14 से 20, क्योंकि 14 से 20 के बीच में 16 आता है।
इसलिए हम यहाँ ऑप्शन बी को सही मानेंगे। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 14 से 20%। प्रोटीन हमारे आहार में मुख्य स्थान है, शरीर एवं वृद्धि के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोटीन भोजन के 3 कार्यों को पूरा करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, शरीर की वृद्धि एवं विकास, तंतुओं का नवनिर्माण तथा मरम्मत एवं रख रखाव, शरीर के महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित रखना, अतिरिक्त प्रोटीन द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति भी होना आदि। प्रोटीन ग्रीक भाषा शब्द के प्रोटियोस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। रासायनिक संगठन इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया है। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है, ये भी मैंने बताया है। और आपको प्रोटीन के इसके अतिरिक्त हाँ कुछ प्रोटीन में सल्फर और फास्फोरस भी उपस्थित रहते हैं, ये भी मैंने बता दिया है। प्रोटीन में मुख्य भाग नाइट्रोजन होता है, शरीर में इसकी मात्रा 14 से 20% होती है, और अगर औसत में पूछे तो 14 से 20%, अन्यथा अगर ऐसे पूछे तो 16% हम बोलेंगे, या फिर 14 से 20 के बीच में जो भी हमें दिखेंगे। अगर 16 नहीं दिख रहा है तो हम उसे टिक कर सकते हैं। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन कार्बोज एवं वसा से भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा के क्रूड प्रोटीन में परिवर्तित होने का आकलन करने के लिए रूपांतरित गुणांक है तो क्या है? 6.25, 16, 5.5 या फिर 4? तो खाद्य पदार्थों में 48 खाद्य पदार्थों में, ये यूजीसी नेट एग्जाम 3rd पेपर दिसंबर 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा के क्रूड प्रोटीन में परिवर्तित होने का आकलन करने के लिए रूपांतरित गुणांक क्या है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 6.25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिप्टोफैन, ये TGT 2013 का क्वेश्चन है। ट्रिप्टोफैन, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखना चाहते हैं ना, तो सच बोलूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत करूँगी। तो ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन क्या है? एक आवश्यक वसीय अम्ल है, अनावश्यक वसीय अम्ल है, आवश्यक अमीनो अम्ल है या अनावश्यक अमीनो अम्ल है? ये TGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ट्रिप्टोफैन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, ऑप्शन सी सही होगा। ट्रिप्टोफैन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है जिसका प्रयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। शरीर में ट्रिप्टोफैन की अधिक मात्रा सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ा देती है, जिससे व्यक्ति स्फूर्त, तरोताजा एवं खुशनुमा महसूस करता है। सेरोटोनिन ट्रिप्टोफैन क्या करता है कि अधिक मात्रा में सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे हम स्फूर्त, तरोताजा एवं खुशनुमा महसूस करते हैं। अधिकतर भोजन जिसमें ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड होता है, वे शरीर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अपने अवशोषण के लिए अन्य अमीनो एसिड से प्रतिस्पर्धा करता है। ट्रिप्टोफैन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है जो कि शरीर में सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे हम क्या फील करते हैं, इसे मैंने बता दिया आपको अभी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति के समान आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग 10 ऊर्जा प्राप्त प्रदान करता है, 15, 20, 40 या फिर 60। TGT राजस्थान का है, लैब असिस्टेंट वाले बोलते हैं मैम ये तो मेरे में है ही नहीं, आप हमारा पढ़ा ही नहीं रहे हो, दूसरों का पढ़ा रहे हो, हमारा नहीं पढ़ा रहे हो। आप देखिए मैंने आपके लिए कितनी मेहनत की है, 400 सिर्फ राजस्थान के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डाल रखा है वीडियो पे।
और भी बहुत से क्वेश्चन हैं। अभी क्यूज रिवीजन के लिए मैंने अभी अपने नोट्स शेयर किए थे। एक्चुअली अब मेरे साइड ना नेटवर्क इशू थोड़ा ज़्यादा है और अभी अपने पास उतने ज़्यादा संसाधन है नहीं, बट धीरे धीरे आपके साथ और सहयोग से वो भी हो जाएंगे। तो मैं आपको और भी अच्छे तरीके से तैयारी कराऊंगी, आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के समान आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग 60% ऊर्जा प्रदान करता है, ऑप्शन डी सही होगा। अब थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। कार्बोहाइड्रेट था ना, हाँ, एक व्यक्ति के समान आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के संपूर्ण ऊर्जा को लगभग 60% ऊर्जा प्रदान करता है, ऑप्शन डी सही होगा। एक व्यक्ति के समान आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा 60% प्रदान करता है। कार्बोज हमारे भोजन का मुख्य भाग होता है, यह कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संगठन से बनता है। कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है, तो कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संगठन से बनती है। इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जल के अनुपात में होते हैं, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल के अनुपात में होते हैं। ये आज के हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन थे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर एंड एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।